बच्चों, बीएससी बायोलॉजी में आपका खुशबू मैम के साथ स्वागत है। आज आपको क्या पढ़ना है बेटा? आज आपको देखना है ह्यूमन रिप्रोडक्शन का। मैं आपको कौन सा पोर्शन पढ़ाने वाली थी? प्राइमरी सेक्स ऑर्गन मैं पढ़ा चुकी हूँ। मैं आज आपको बताने वाली थी सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन, ठीक है? तो मेल का सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन आज आपको पढ़ाने वाली हूँ मैं। बहुत ध्यान से सुनिएगा, ठीक है? आपको बहुत सारी नॉलेज देने वाली हूँ बेटा आज मैं, जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। बच्चों पता है, ये जो चैप्टर्स मैं अभी आपको पढ़ा रही हूँ ना, ये आपके जीवन से इतना ज़्यादा रिलेटेड हैं कि अगर आप इनके बारे में जान जाते हैं तो समझ जाइए कि आप अपने बारे में जान रहे हैं। तो आपको ये नॉलेज बहुत खुशी खुशी लेना चाहिए, बहुत अच्छे से पढ़ना चाहिए, ठीक है? क्योंकि आपका शरीर क्या है? एक बायोलॉजिकल यंत्र है, और उस यंत्र के जितने भी अंग हैं सब क्या हैं? उसके अलग अलग पार्ट्स हैं, उस मशीन के पार्ट्स हैं। तो कोई पार्ट कैसे वर्क करता है वो समझना आपके लिए कितनी अच्छी चीज़ है ना बच्चों। आप अपने बारे में जान रहे हो। आपको अगर लगेगा कभी जीवन में कोई क्वेश्चन आता होगा मन में अपने ऑर्गन्स को लेके, तो वो सारी चीज़ें यहाँ पे आपकी डाउट क्लियर हो रही है बेटा, ठीक है? एकदम इंटरेस्ट से पढ़ा करो, बहुत मज़ा आता है जब इंटरेस्ट से पढ़ते हैं। अगर हम किसी चीज़ को ये सोच के पढ़ेंगे ना कि अरे इसमें तो हमको कुछ अच्छा लग ही नहीं रहा है, तो वो कभी लगेगा ही नहीं। क्यों नहीं लगेगा? क्योंकि उसको आप मन से ले ही नहीं रहे हो। जिस चीज़ को आप मन से करते हो ना, पूरी शिद्दत से करते हो, पूरे दिल से करते हो, उस चीज़ में आपको इंटरेस्ट आता है। तो आप इंटरेस्ट लो पढ़ने में, आपको बहुत अच्छा लगेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। मैं आपको क्या क्या पढ़ा चुकी हूँ बच्चों? मैं आपको टेस्टीज और स्क्रोटम फर्स्ट वाले वीडियो में, इसके पहले वाले वीडियो में पढ़ा चुकी हूँ, ठीक है? ये आपका कंप्लीट हो चुका है टोटल। अब आपको इसके बाद क्या देखना है? प्राइमरी सेक्स ऑर्गन हो गया है, मैं बता चुकी हूँ आपको। आज आपको देखना है सेकेंडरी सेक्सुअल ऑर्गन। तो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन में आप क्या पढ़ चुके हो? प्राइमरी सेक्स ऑर्गन में आप टेस्टीज पढ़ चुके हो, जिसके साथ स्क्रोटम जुड़ा हुआ था, ठीक है? ये पढ़ चुकी हूँ, मैं बता चुकी हूँ। टेस्टीज क्या होता है? शुक्राणु और लिंग हार्मोन का उत्पादन करने वाला है। ये हमारा कंप्लीट हो चुका है, पूरा हो चुका है, ओके? आज आपको पढ़ना है द्वितीयक या सहायक जनन अंग, जिसको हम कहते हैं सेकेंडरी और एसेसरी सेक्स ऑर्गन, मेल सेक्स ऑर्गन, क्योंकि हम यहाँ पे नर का जनन तंत्र पढ़ रहे हैं बेटा, ठीक है? तो आज आपको इतनी चीजों के बारे में ज्ञान लेना है, ओके? तो स्टार्ट करें बेटा। आज आपको देखना है सबसे पहले शुक्रवाहिका, जिसे हम क्या कहते हैं? वासा इफ्रेंटिया। क्या कहते हैं बेटा? वासा इफ्रेंटिया। ये जो वासा इफ्रेंटिया होता है, ये वासा इफ्रेंटिया ही शुक्रवाहिका कहलाता है। कहाँ पे है? देखो देखो, ये वृषण की पूरी संरचना हो गई है, ये दिख रहा है आपको? इसको थोड़ा ब्लैक में ले। ये जो अंडाकार संरचना है ना, ये वृषण की संरचना है, ठीक है? अब आपको देखना है शुक्रवाहिका, जिसको आप क्या कहते हो? वासा इफ्रेंटिया, डक्टाइल इफ्रेंट भी बोलते हैं, वासा इफ्रेंटिया भी बोलते हैं। तो वासा इफ्रेंटिया ये जो दिख रहा है ना आपको, ये यहाँ से महीन महीन ये रेड वाला जो स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये कहलाता है वासा इफ्रेंटिया। इसे हम क्या कहते हैं? शुक्रवाहिका, शुक्रवाहिका, शुक्रवाहिका कहते हैं। क्यों शुक्रवाहिका कहते हैं? क्योंकि शुक्राणुओं को वहन करने का ये काम करती है। बायोलॉजी में एक बहुत बेहतरीन एडवांटेज क्या है पता है बेटा? जैसे ही हम चीजों का नाम लेते हैं, उसके पीछे ही उसका डेफिनेशन छुपा होता है। बस उसको गहराई से समझने की आवश्यकता होती है। ये 10 से 20 सूक्ष्म नलिकाएं होती हैं, दिख रहा है आपको? यहाँ पे मैंने दिखाया है, ये 10 से 20 सूक्ष्म नलिकाएं हैं, जो वृषण नलिका से वृषण को अधिवृषण से जोड़ती हैं। वृषण नलिका क्या है? किसको कहते हैं वृषण नलिका? बताइए। टेस्टिकुलर लोब्यूल्स जो है ना बच्चों, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स से जो जुड़ा हुआ है, तो ये जो टेस्टिकुलर लोब्यूल्स है उससे क्या करता है बेटा? ये टेस्टिकुलर लोब्यूल से किसको जोड़ता है?
देख लो, वृषण नलिका से वृषण को अधिवृषण से जोड़ता है, वृषण नलिका टेस्टिकुलर लोब्यूल से एपिडिडाइमिस को जोड़ता है। ठीक है, ये दिख रहा है ना एपिडिडाइमिस वाला स्ट्रक्चर, इसको हम थोड़ा सा अलग कलर कर लें। ये देखो एपिडिडाइमिस को जोड़ रहा है ये ये ये, ठीक है, दिख रहा है ना। एपिडिडाइमिस को जोड़ रहा है, देखो वासा इफ्रेंटिया जो है, ये ब्लू कलर से करके दिखा रही हूं, ये जो वासा इफ्रेंटिया है ये क्या कर रहा है, एपिडिडाइमिस को जोड़ रहा है किससे, वृषण से। ठीक, अब इसकी उपकला में बड़ी पक्ष्माभी कोशिकाएं और छोटी कोशिकाएं होती हैं। पक्ष्माभी की किसको बोलते हैं, पक्ष्माभी का मतलब होता है सिलिया, जहां पे सिलिया प्रेजेंट हो तो सिलिया लाइक स्ट्रक्चर वाली कोशिकाएं होती हैं जो अंत कोशिका क्रिया करती हैं, पक्ष्माभ शुक्राणुओं को संवहन में सहायता करता है। जो उसमें सिलिया लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है ना बेटा, वो शुक्राणुओं को आगे बढ़ने में, आगे जाने के लिए सहायता प्रदान करता है, जबकि अंत कोशिकाएं जो हैं वो मलबे को साफ करती हैं जो शुक्राणुओं के साथ बढ़ती है, जो गंदगी शुक्राणु अपने साथ लेके आते हैं जिसकी आवश्यकता नहीं है उसको साफ करने का काम भी यहाँ की कोशिकाएं करती हैं, जिसको अंतःकोशिक कोशिकाएं कहते हैं। वृषण जालिका, शुक्रवाहिका और नलिकाकार कक्षिकाएं सभी संयुक्त रूप से अंतःवृक्षणीय लिंगीय तंत्र, जिसको हम क्या कहते हैं, इंट्रा टेस्टिक्युलर जेनाइटल डक्ट सिस्टम की रचना करती हैं। इंट्रा टेस्टिकुलर मतलब वृषण के अंदर की पूरी जेनाइटल डक्ट, जितनी भी डक्ट है इसको बनाने का कार्य कौन करता है, शुक्रवाहिका या वासा इफ्रेंटिया करता है। ठीक है, किसके साथ मिलके, टेस्टीज के साथ मिलके। नोट डाउन कीजिए फटाफट, अब आपको क्या देखना है बेटा, एपिडिडाइमिस आप जानते हैं, वासा इफ्रेंटिया टेस्टीज को एपिडिडाइमिस से जोड़ता है ना, जानते हैं ना। तो अब एपिडिडाइमिस से जुड़ा है, ये देखो ये जो स्ट्रक्चर है एपिडिडाइमिस का है। ठीक है, ये 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 ठीक है, दिख रहा है, एकदम सुंदर लग रहा है ना, स्नेक के जैसा। ये यहाँ पे ये दिख रहा है ना, काउडा एपिडिडाइमिस और कैपट एपिडिडाइमिस। ठीक है, ये जो आपका एपिडिडाइमिस वाला हिस्सा दिख रहा है ना, यहाँ से ये स्टार्ट हो रहा है बेटा, और ये यहाँ पे यहाँ से स्टार्ट हो रहा है और यहाँ पे इसका एंड हो रहा है, तो स्टार्टिंग पॉइंट है और ये एंडिंग पॉइंट है। ठीक है, एंडिंग पॉइंट है। समझ में आया कि ये क्या कर रहा है, ये वासा इफ्रेंटिया से होता हुआ आया है और एक बिल्कुल कॉइल्ड स्ट्रक्चर, इस तरह से कॉइल्ड स्ट्रक्चर के रूप में पूरी तरह से कुछ समय के लिए ये ना स्पर्म्स को अपने अंदर स्टोर करके रखने का भी वर्क करता है। ठीक है, स्पर्म्स को भी अपने अंदर स्टोर करके रखने का ये वर्क कुछ समय के लिए करता है। बहुत ध्यान देंगे कि ये जो अधिवृषण होता है जिसे हम क्या कहते हैं, एपिडिडाइमिस कहते हैं, ओके, ये क्या काम करेगा, एक जोड़ी वाहिकाएं होती हैं जो प्रत्येक वृषण में शुक्र वाहिकाओं के संलयन से बनती है। शुक्रवाहिका कौन था बेटा आपका, वासा इफ्रेंटिया था ना, उसके ये जब ये संग्रह होगा, सम्मिलित होगा, मिलेगा, एक दूसरे से मिलाएगा, जैसे बहुत सारी पतली 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 वासा इफ्रेंटिया आएंगी और ये जोड़ने का काम करेंगी किसको, एपिडिडाइमिस को। ठीक है,
अधिवृषण लंबी सक्रिय अत्यधिक संवलित बहुत ज्यादा कॉइल्ड संघनित नलिकीय रचना है जो वृषण को ऊपर नीचे तथा पीछे की ओर ढके रहती है। देख रहे हो बेटा, पूरा ऊपर नीचे पीछे पूरी तरीके से ये क्या की है, वृषण को ढाक के रखी है। अब ये लगभग 6 सेंटीमीटर लंबी होती है, दिख रहा है, ये दिख रहा है आपको, ये लगभग 6 सेंटीमीटर लंबी है। इसमें कुंडलन के 3 भाग होते हैं। एक होता है अधिवृषण में जो है उसके 3 भाग बता रहा है, ठीक है बेटा। सबसे पहला मैं आपको बताई थी ना, स्टार्टिंग पॉइंट था ये, फर्स्ट वाला पॉइंट था कैपट एपिडिडाइमिस बोलते हैं इसको, ठीक है। कैपट एपिडिडाइमिस जो है वो पहला भाग है, शीर्ष का भाग है। ये कौन सा भाग है, शीर्ष, ठीक है। बीच में कौन सा आता है, कार्पस एपिडिडाइमिस, ये कौन सा भाग है, ये मध्य का भाग है, मिड वाला भाग है, ठीक है। ये जो मध्य का भाग है, मिड का भाग है, शीर्ष, ये मध्य भाग हो गया, शीर्ष भाग हो गया, मध्य भाग हो गया, एक मिनट, हाँ मध्य भाग हो गया। उसके बाद अंतिम भाग जो होता है जिसे पुच्छ अधिवृषण कहते हैं, इसे काउडा एपिडिडाइमिस कहते हैं, ये पुच्छ भाग हो गया, ठीक है, समझ रहे हो। यहाँ वाला शीर्ष भाग था, बीच वाला कार्पस एपिडिडाइमिस जो था वो मध्य का भाग था, लेकिन ये वाला जो भाग है, जो अंतिम भाग है, उसको हम लोग काउडा कहते हैं, पुच्छ भाग कहते हैं। काउडा वर्ड का मतलब क्या होता है, टेल, टेल का मतलब क्या होता है, पूंछ, क्योंकि वो आखिरी में एकदम पूंछ के जैसा स्ट्रक्चर है, इसलिए उसको काउडा एपिडिडाइमिस कहते हैं। क्या कहते हैं, काउडा एपिडिडाइमिस या पुच्छ भाग वाला अधिवृषण, काउडा एपिडिडाइमिस, ठीक है। तो कैपट एपिडिडाइमिस सबसे ऊपर, फिर सेकेंड में आप इसको चाहो तो नंबर 1 दे दो, इसको चाहो तो नंबर 2 दे दो, इसको चाहो तो नंबर 3 दे दो। ये 3 भागों से मिलकर आपका एपिडिडाइमिस बना है। एक शीर्ष वाला भाग है, शीर्ष वाले भाग को हम कैपिट एपिडिडाइमिस कह रहे हैं। दूसरा बीच में मध्य वाला भाग है, बीचों बीच का भाग है, जो जिसको हम कार्पस एपिडिडाइमिस कह रहे हैं। तीसरा जो हिस्सा है वो बिल्कुल पूंछ के जैसा आकार लिए हुए है, इसलिए हम उसको काउडा एपिडिडाइमिस कह रहे हैं, ठीक है। ये स्यूडो स्ट्रेटिफाइड होता है, इसको कूट स्तरित कहते हैं, ठीक है। स्यूडो स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियल सेल यहाँ पे उपस्थित होती है। देखो बेटा, जिनको बहुत सारी चीज़ें इंग्लिश में समझ में आती है, उनके लिए 90% चीज़ें मैं इंग्लिश में यहाँ पे बोल रही हूँ, ठीक है। पर कुछ बच्चे जो हैं वो बिल्कुल हिंदी ही समझते हैं, उनके लिए मैं यहाँ पे हिंदी को भी बता रही हूँ। तो हिंदी इंग्लिश दोनों का समावेश है इस वीडियो में, ताकि आप लोगों को पढ़ने के लिए दिक्कत ना हो। ये कूट स्तरित का मतलब क्या होता है, स्ट्रेटिफाइड जर्मिनल एपिथीलियम सेल्स यहाँ पे प्रेजेंट होती हैं, जो शुक्राणुओं के परिपक्वन हेतु पोषकीय पदार्थों को स्रावित करती हैं। शुक्राणु क्या हो सके, अच्छी तरीके से मैच्योर हो सके, बढ़ सके, बन सके, उनका निर्माण हो सके, इसलिए यहाँ पे क्या किया जाता है, पोषक पदार्थों का निर्माण किया जाता है। कहाँ पे, अधिवृषण में, ठीक है। अधिवृषण स्खलन से पूर्व शुक्राणुओं को संग्रहित रखता है। मैंने आपको बोला था ना कि कुछ समय के लिए जो एपिडिडाइमिस होता है स्पर्म्स को स्टोर करके रखता है, कि भाई अब तुम यहाँ कुछ दिन रह सकते हो, टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है, मेरा घर है तुम्हारे लिए, जब तुमको बाहर जाना होगा, ट्रैवलिंग करनी होगी, तब तुम ट्रैवलिंग कर लेना, ठीक है। अस्खलित शुक्राणुओं का एक समय के अंतराल के बाद अपघटन हो जाता है। यहीं अगर यहाँ पे शुक्राणु है और उनका स्खलन नहीं हुआ एक निश्चित समय के बाद, तो वहीं पे क्या हो जाएंगे, मृत हो जाएंगे, मर जाएंगे, डेड हो जाएंगे, और उनको फिर बॉडी के बाहर रिमूव कर दिया जाएगा, ठीक है। अब अधिवृषण की भित्ति क्रमानुकंचन और खंडीय गतियों का शुक्राणुओं को स्खलन के समय बाहर ढकेलता है। यहाँ पे 2 गति होती है, क्रमानुकंचन गति होती है, ठीक है, और दूसरा कौन सी गति होती है बेटा, खंडीय गति का गतियां होती हैं, जो उसको आगे की ओर ढकेलती हैं शुक्राणु को, ताकि वो आगे जाके अपनी यात्रा पूरी कर सके। उसको यात्रा पूरी करना है, जब तक वो फीमेल के जेनाइटल ट्रैक तक नहीं पहुंचेगा तब तक उसको यात्रा बंद नहीं करना है, ठीक है। अब टेस्टिकल्स शब्द वृषण तथा अधिवृषण दोनों के लिए काम में लाया जाता है, कंफ्यूज नहीं होना है, स्टार मार्किंग कर लीजिए। जो टेस्टिकल वर्ड्स होता है ना, टेस्टिकल शब्द, वो अधिवृषण के लिए भी यूज करते हैं, एपिडिडाइमिस के लिए भी यूज करते हैं, और
वृषण अर्थात टेस्ट टेस्ट के लिए भी यूज करते हैं। फटाफट नोट डाउन करो बेटा। अब आपको इसके बाद देखना है शुक्रवाहक, जिसे शुक्राणु नलिका भी कहते हैं, वासा डिफरेंस भी कहते हैं, वास डिफरेंस भी कहते हैं, बहुत सारे नाम हैं पर एक ही है, ठीक है। जैसे मम्मी आपको गोलू भी कहती होगी, पापा आपको छोटू भी कहते होंगे, आपकी बहन आपको चिंटू भी कहती होगी, आपके भैया आपको लल्ला भी कहते होंगे, पर आप एक ही हो, वैसे ही इसके भी बहुत सारे नाम हैं बेटा। तो सबसे पहले देखिए शुक्रवाहक जो है, वास डिफरेंस जो है, ये किस किस काम आता है। एक्चुअल में वास डिफरेंस शुक्राणुओं का क्या करता है, परिवहन करने में उसको सहायता करता है, एक जगह से दूसरी जगह यात्रा करने में उसको सहायता करता है, ठीक है। जैसे हम अगर सपोज मान लीजिए कि आप किसी पार्क में खड़े हो और पार्क से आपको आपके घर पहुंचना है, ठीक है, या आप अपने घर पे हो और अपने घर से निकल के आपको कहाँ जाना है, पार्क में जाना है, तो घर से निकल के पार्क में जाने तक के लिए सड़क चाहिए ना बेटा, रास्ता चाहिए ना, कोई एक मार्ग चाहिए ना, तो ये मार्ग प्रदान करता है उसको, किसको, स्पर्म को। बहुत ध्यान से देखिए, ये एक जोड़ी अककुंडली 30 से 35 सेंटीमीटर सीधी नलिका होती है, दिख रहा है, ये देखो यहां जहां एपिडिडाइमिस का अंत हुआ था वहां से एकदम कुंडलित है ये, ठीक है, एकदम कुंडलित है और बिल्कुल सीधा जा रहा है। कहां है आपका वासा डिफरेंस, ये स्टार बना दूं, ठीक है, ये बिल्कुल लेके जाएगा स्पर्म्स को अपने अंदर से होता हुआ पूरा, बहुत सारे ट्रैक्स को कंप्लीट करते हुए ये फीमेल के जेनिटेलिया में पहुंचेगा। बहुत ध्यान से देखना बेटा। अब क्या बोल रहा है, एक जोड़ी सीधी सीधी है जो पुंछ अधिवृषण से निकलती है, ये देखो जो पुंछ अधिवृषण है वहीं से ये निकल रहा है। पुंछ अधिवृषण को हम थोड़ा दूसरा कलर कर लें, ब्लैक कलर कर लें, ये पुंछ अधिवृषण वाला हिस्सा है, वहां से वासा डिफरेंस निकल रहा है, ठीक है। अब क्या करना है बेटा, इसकी भित्ति मोटी और पेशी होती है तथा श्लेष्मा लंबवत वलन पाए जाते हैं, इसमें म्यूकस पाया जाता है, ठीक है। क्यों म्यूकस है, ताकि वो सरका सरका के आगे भेजते जाए स्पर्म को, वो रुके ना। आप लोग देखते हो ना, जब आप फिसल पट्टी पे बैठते हो तो फट से फिसल के नीचे आ जाते हो, बहुत चिकना होता है, वैसे ही म्यूकस भी चिकना होता है जो आगे भेजते जाता है स्पर्म को, ठीक है, समझ में आ रहा है। मैं एक एक लाइन समझा रही हूँ बच्चों, बहुत ध्यान से समझना है आपको। इसकी उपकला में अनेक कोशिका स्त्रावी प्रकृति की होती है, इसकी जो कोशिकाएं होंगी वो स्त्रावी प्रकृति की होंगी, अपने अंदर से श्लेष्मा का स्त्राव करेंगी, अन्य पदार्थों का स्त्राव करेंगी, ताकि सरक सरक के फिसल फिसल के यहाँ से तैरता हुआ शुक्राणु आगे की नलिका की ओर जा सके। वृषण कोष से प्रत्येक शुक्रवाहक स्पर्मेटिड रज्जुट घटक के रूप में निकलता है। सबसे ज्यादा यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या है इस लाइन में, कि इसकी जो कोशिका है वो कैसी होती है, स्त्रावी प्रकृति की होती है। कैसी प्रकृति की होती है बेटा, स्त्रावी प्रकृति की। इसको मैं ग्रीन कलर से कर दे रही हूँ, यहाँ पे अनेक स्त्रावी प्रकृति की कोशिकाएं होंगी, ठीक है। अब उदर में प्रवेश करने के उपरांत, जैसे ही ये पेट वाले हिस्से में प्रवेश करेगा, उसके बाद यह मूत्राशय के पीछे से निकल कर फूल कर एक एम्पुला बना लेगा, दूरस्थ सिरे पर यह पुनः संकरी हो जाएगी तथा शुक्राशय से आने वाली नलिकाओं से न्यून कोण बनाते हुए मिलेगी। ये जाके शुक्राशय से मिलेगी, मतलब किससे मिलेगी, सेमाइनल वेसिकल से मिलेगी, ठीक है। शुक्रवाहक शुक्राणुओं को वहन करते हैं, मैं पहले ही बताई थी कि ये क्या करता है, शुक्राणुओं को वहन करता है, उसके ट्रांसपोर्ट करने का काम करता है, उसको अपने अंदर से लेके जाता है, एक गाड़ी के जैसे काम कर रहा है, एक रोड के जैसे काम कर रहा है, उसको एक रास्ता दिखा रहा है कि भैया तुम इस रास्ते से होके जाओगे तो तुम अपनी सही जगह पर पहुंचोगे, ठीक है। ये शुक्राणुओं के बाहर गमन के दौरान पोषण तथा संग्रहण भी करते हैं, मतलब अगर मेरे पास कोई आया है, मेरी गाड़ी में कोई बैठा है, तो मैं उसके लिए चिप्स कुरकुरे और थोड़ा सा फ्रूटी भी रखी हूँ कि उसको दे दूंगी, मतलब ये क्या कर रहा है, लेके जा भी रहा है
प्लस उसके लिए खाने पीने की व्यवस्था भी रखा है, खाने पीने इन द सेंस उसको न्यूट्रिशन भी देखने का प्रबंध करके रखा है। फिर है शुक्रवाहक दोनों पक्षमाभ शुक्रवाहक जो है संग्रहण करके रखेगा अधिवृषण, ठीक है, अधिवृषण, अधिवृषण एवं शुक्रवाहक मतलब एपिडिडाइमिस और वासा डिफरेंस दोनों में पक्षमाभ अनुपस्थित होते हैं। पक्षमाभ क्या है? सिलिया, सिलिया अनुपस्थित होते हैं। दृढ़ पक्षमाभ जिसे क्या कहते हैं हम लोग, सिरोसिलिया, स्टीरियोसिलिया यद्यपि पाए जाते हैं, जो नॉर्मल सिलिया है वो नहीं मिलेगा, यहाँ पे स्टीरियोसिलिया कभी कभी मिल सकता है, स्टीरियोसिलिया। नोट डाउन कीजिए फटाफट। अब ना मैं आपको एक डिफरेंस बताऊंगी, मैं आपको स्कूल के पॉइंट ऑफ व्यू से बता रही हूँ बेटा, कि बहुत सारे बच्चे ना वासा इफ्रेंटिया और वासा डिफरेंस या वासा डिफरेंटिया में बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं, तो उसको हम कैसे दूर करेंगे, बहुत ही ध्यान से देखना। वासा इफ्रेंटिया, ठीक है, ये दिख रहा है छोटा छोटा, मैं इसको ना रेड कलर से करती हूँ, 1 2 3 4, ठीक है, ये जो रेड कलर है ये क्या है, वासा इफ्रेंटिया है। अब मैं आपके लिए ब्लू कलर पकड़ती हूँ, ये वासा डिफरेंस जो है, ठीक है, ब्लैक कलर पकड़ूं, ब्लैक कलर लेते हैं बेटा, ये ब्लैक कलर लेते हैं, ये जो आपका वासा डिफरेंस है ये दिख रहा है, ये देखो, ये आपका वासा डिफरेंस हो गया। वासा इफ्रेंटिया और वासा डिफरेंटिया में क्या अंतर है, वासा इफ्रेंटिया बहुत छोटा छोटा सा है बेटा, वासा डिफरेंस जो है बहुत लंबी सी नली का है, तो वासा इफ्रेंटिया सीधी है छोटी है, दिख रहा है सीधा सीधा है छोटा छोटा है, ओके। उसके बाद ये अपेक्षाकृत लंबी होती है और नलिका दिख रहा है, वासा जो आपका इफ्रेंटिया है उसकी अपेक्षाकृत जो वासा डिफरेंस है ये बहुत लंबी सी नलिका है, मैं इसको ब्लैक कलर में ले रही हूँ, ठीक है, हाँ ये बहुत लंबी सी नलिका है, ओके। अब ये प्रत्येक वृषण में 10 से 20 होती हैं, ज्यादा से ज्यादा जो वासा इफ्रेंटिया होगी 10 से 20 ही होगी, पर वासा डिफरेंस प्रत्येक वृषण में एक एक होंगे, एक ही होगा, एक वृषण उसमें एक वासा डिफरेंस, एक वृषण उसमें एक, मतलब दो, एक की एक जोड़ी, दो संख्या में और जोड़ी में एक जोड़ी, ठीक है। शुक्रवाहिकाएं वृषण जालकों से निकलती हैं, जो शुक्रवाहिकाएं होती हैं ना, शुक्रवाहिकाएं वो कहाँ से निकलती हैं, वृषण जालकों से निकलती हैं, मतलब वासा इफ्रेंटिया रेटे टेस्टिस से निकलता है। वृषण जालक किसको बोलते हैं, रेटे टेस्टिस, ठीक है, शुक्रवाहिका किसको बोलेंगे, वासा इफ्रेंटिया को बोलेंगे, तो वासा इफ्रेंटिया, वासा इफ्रेंटिया रेटे टेस्टिस से निकलती है, जबकि जो वासा डिफरेंस है ये पुच्छ अधिवृषक जो काउडा एपिडिडाइमिस है, ठीक है, यहां से निकलता है, समझ में आया। उसके बाद ये सक्रिय व कोमल होती है, दिख रहा है ना बेटा, वो सक्रिय सक्रिय है और कोमल कोमल है, लेकिन अगर बात हम कर रहे हैं ये सक्रिय और क्या है, कोमल है, पर अगर हम बात कर रहे हैं वासा डिफरेंस की, तो ये चौड़ी होगी और पेशीय होगी, भैया इसको किसी को अपने अंदर बिठा के लेके जाना है तो मजबूत नहीं रहेगी, पेशीय नहीं रहेगी तो कैसे ले जा पाएगी, कैसे वहन कर पाएगी शुक्राणुओं को, इसलिए इसका पेशीय होना बहुत जरूरी होता है। फिर बात करते हैं उपकला सरल होती है, यहाँ पे जो एपिथीलियम सेल होगी, एपिथीलियम वो कैसी होगी, सिंपल सिंपल एपिथीलियम सेल प्रेजेंट होगा, लेकिन यहां पे जो एपिथीलियम होगा वो कैसा होगा बेटा, स्यूडो स्ट्रेटिफाइड, स्यूडो स्ट्रेटिफाइड, ठीक है, स्यूडो स्ट्रेटिफाइड होगा, कैसा होगा, स्यूडो स्ट्रेटिफाइड, कूट स्तरित, बहुत सारे स्तरों वाली दिख रहा है, ऐसा लगता है कि बहुत सारे स्तरों से मिलकर बनी है, स्यूडो स्ट्रेटिफाइड होगी। अब यहाँ पे जो एपिथेलियम होगा उसमें पक्षमाभी कोशिकाएं पाई जाएंगी, मतलब इसकी एपिथेलियम सेल में, इसका जो एपिथेलियल सेल है इसमें सिलिया, ठीक है, सिलियल सेल होगा, सिलिया प्रेजेंट होगा इसके एपिथेलियम सेल में,
लेकिन इसकी जो एपिथेलियल सेल होगी उसमें दृढ़ पक्षमाप पाए जाएंगे। अभी बताई थी ना मैं आपको कि सिंपल पक्षमाप नहीं होंगे, उसमें स्ट्रॉन्ग सिलिया होगी, अलग टाइप का सिलिया होगा। ठीक है, अब इसमें नॉर्मल सिलिया है और इसमें दृढ़ पक्षमाप है, ये दृढ़ पक्षमाप है इसके सिलिया, इसमें इसके एपिथेलियम में। ये वृषण जालक से अधिवृषण तक शुक्राणुओं को वहन करेगा। वृषण जालक क्या है? रेटे टेस्टीज। ये जो अंदर में ऐसे जाला जाला दिख रहा है ना बेटा, ये रेटे टेस्टीज है। ये देखो रेटे टेस्टीज है ना, ये ठीक है। तो ये रेटे टेस्टीज से कहां तक होगा? अधिवृषण, अधिवृषण मतलब एपिडिडाइमिस तक शुक्राणुओं को वहन करती है। कौन? वासा इफ्रेंटिया, उसको वहन करेगी। ये पूरा लोग लेके आएंगे और इसके पास देंगे, इसको लाके यहाँ पे ऐसे ऐसे देंगे। ठीक है, ये पुच्छ अधिवृषण मतलब ये वाला जो हिस्सा है काउडा एपिडिडाइमिस से लेके जाएगा। ठीक है, जैसे बस स्टॉप होता है ना, एक बस आएगी यहाँ से यहाँ लेके जाएगी, एक बस आएगी यहाँ से यहाँ लेके जाएगी, बिल्कुल वही मैकेनिज्म है। एकदम समझ जाओ कि रेटे टेस्टीज जो है ना, जो आपका वृषण जालक है, और वहां से लेके अधिवृषण तक, मतलब ये वृषण जालक से लेके अधिवृषण तक का जो है ये चीजों को वहन करेगा, शुक्राणुओं को वहन करेगा ये जालक, ये वृषण जालक से अधिवृषण तक। ठीक है, एपिडिडाइमिस तक चीजों को वहन करेगा, लेके जाएगा, इधर से इधर लेके जाएगा, इधर से इधर लेके जाएगा। ठीक है, और ये वाला जो बस स्टॉप है ना काउडा एपिडिडाइमिस वाला, वहां से लेके पूरा का पूरा सेमाइनल वेसिकल तक कौन लेके जाएगा? वासा डिफरेंटिया। ठीक है, ये पुच्छ अधिवृषण से स्खलन वाहिनी शुक्राणुओं को वहन करेगा। शुक्राणु संवहन पक्षमाभिक्रिया द्वारा होगा, क्योंकि सिलिया उपस्थित है, नॉर्मल सिलिया उपस्थित है, लेकिन शुक्राणु का संवहन पेशीय क्रिया द्वारा होगा, क्योंकि यहाँ पे जो सिलिया है वो पेशीय टाइप का है, दृढ़ पक्षमाभ है, बहुत मोटा मोटा, बहुत कठोर टाइप का पक्षमाभ है। ठीक है, इसलिए यहाँ पे पेशीय गति होगी और यहाँ पे सिलियरी मूवमेंट होगा। समझ में आया? फटाफट नोट डाउन करो बेटा। अब आपको क्या देखना है बच्चों? अब आपको देखना है इजैकुलेटरी डक्ट, इसको हम कहते हैं स्खलन वाहिनियां। ठीक है, आपको पता है बेटा आपकी जो स्खलन वाहिनी होती है ह्यूमन बींग की बॉडी में, जो इजैकुलेटरी डक्ट होता है, स्खलन वाहिनी होती है, उसमें मेनली जो इजैकुलेटरी डक्ट है वो सेमाइनल वेसिकल, पोस्ट्रेट ग्लैंड और काउपर्स ग्लैंड। ये काउपर्स ग्लैंड, सेमाइनल वेसिकल और ये आपका जो पोस्ट्रेट ग्लैंड है, पोस्ट्रेट देखो, पोस्ट्रेट ग्लैंड, ये वाला हिस्सा। ठीक है, तो इनके बीच में एक डक्ट बनता है, ये देखो ऐसा फूला हुआ। ठीक है, ये फूला हुआ डक्ट क्या कहलाता है? ये फूले हुए डक्ट के पास ये लोग अपना पूरा लेके जाते हैं। ये पतली सी जो नलिका दिख रही है ना, जो सेमाइनल वेसिकल से आ रही है, इसको हम कहते हैं इजैकुलेटरी डक्ट। क्या कहते हैं? इजैकुलेटरी डक्ट कहते हैं। ये इजैकुलेटरी डक्ट आके कॉमन डक्ट में खुलती है, जहां से पोस्ट्रेट भी अपना जूस दे रहा है, जहां पे काउपर्स भी आगे चल के अपना जितना भी फ्लूइड मैटर होगा उसको देगा। ठीक है, तो ये जो स्खलन वाहिनियां होती हैं, इसकी इजैकुलेटरी डक्ट होती हैं, छोटी लगभग 2 सेंटीमीटर लंबी, दिख रहा है ना बेटा, ज्यादा लंबा नहीं है, लगभग 2 सेंटीमीटर लंबा है बस। ठीक है, ओनली 2 सेंटीमीटर, ठीक है, 2 सेंटीमीटर लंबा है, ज्यादा लंबा नहीं है। प्रत्येक स्खलन वाहिनी शुक्रवाहिका एवं शुक्राशय की नलिका से मिलकर बनती है। शुक्रवाहिका और शुक्राशय, जो वासा डिफरेंटिया था ना, और शुक्रवाहिका और शुक्राशय बोल रहे हैं ना, शुक्रवाहिका आपका वासा डिफरेंसिया वाला पार्ट हो गया, और शुक्राशय जो है वो आपका सेमाइनल वेसिकल वाला पार्ट हो गया, इससे मिलकर क्या बनता है? इजैकुलेटरी डक्ट बनता है। ये पोस्ट्रेट ग्रंथि में प्रवेश कर पोस्ट्रिक मूत्र मार्ग से मिलकर एक मूत्र जनन नलिका भी बनाता है। देखो ये इजैकुलेटरी डक्ट है ना, ये पोस्ट्रेट ग्लैंड की तरफ भी मिलेगा, है ना, वहाँ पे जाएगा और ये आगे बढ़ के क्या बना लेगा बेटा? मूत्र मार्ग वाला हिस्सा भी बनाएगा, दिख रहा है?
मूत्र मार्ग से मिलकर एक जोड़ी मूत्र जनन नलिका बना लेगा। स्खलन वाहिनियों में शुक्राणुओं से शुक्राशयों के स्त्राव मिल जाते हैं। जो शुक्राणु होते हैं ना, उनके लिए शुक्राशय मतलब सेमाइनल वेसिकल जो अपने अंदर से फ्लूइड या प्लाज्मा भेज फ्लूइड या जो न्यूट्रिटिव सब्सटेंस भेजता है, वो सब कुछ इसमें इजेकुलेटरी डक्ट में मिल जाता है। अब स्खलन वाहिनियाँ वाहिनियों की भित्तियाँ पेशी होती हैं। जो स्खलन वाहिनियाँ होगा, इजेकुलेटरी डक्ट होगा, इसकी जो क्या होंगी वाहिनियाँ होंगी, ये कैसी होंगी, भित्ति होंगी। भित्ति मतलब क्या बेटा, इसकी दीवार जो होगी वो कैसी होगी, पेशी होगी, मस्कुलर। इसकी वॉल बहुत ज़्यादा मस्कुलर होगी। क्यों? क्योंकि इसको अपने अंदर से क्या करना है, चीज़ों को रिसीव करना है। जो कोई अपने अंदर से बहा के चीज़ें भेज रहा है, फ्लूइड मैटर भेज रहा है, जैसे सेमाइनल वेसिकल सेमाइनल फ्लूइड भेजता है, सेमाइनल फ्लूइड या सेमाइनल द्रव भेजता है, उसको ये अपने अंदर लाएगा और लाके फिर उसको आगे बहाएगा। तो चीज़ों को अपने अंदर रखना है, लिक्विड चीज़ों को रखना है, तो उसकी वॉल को मोटा होना पड़ेगा, ठीक है, पेशी होना पड़ेगा। उसके बाद जो शीघ्रता के साथ इस स्खलन को मूत्र जनन नलिका से बाहर ले जाती हैं, वॉल मोटी होगी, तगड़ी होगी, तभी वो शीघ्रता से किसी चीज़ को बाहर ले जा पाएगी। ओके, अब आप इसमें एक चीज़ समझ जाओ बेटा शॉर्टकट में, कि जो आपका वासा डिफरेंस था और सेमाइनल वेसिकल था, ठीक है, ये दोनों मिलकर क्या बना रहे हैं, इजेकुलेटरी डक्ट को फॉर्म कर रहे हैं। इजेकुलेटरी डक्ट सेमाइनल वेसिकल से सेमाइनल फ्लूइड को ले रहा है, आगे बढ़ रहा है, पोस्ट्रेट ग्लैंड के पास जा रहा है, पोस्ट्रेट फ्लूइड को भी एकत्र करके आगे और नलिका बना रहा है, यूरोजेनाइटल जो एरिया है वो बना रहा है, फिर वो क्या बना रहा है बेटा, जो यूरेथ्रल जो आपका यूरिनरी ट्रैक्ट वाला रीजन जो है वो बना रहा है। तो ये जो इजेकुलेटरी डक्ट है, ये सबसे क्या ले रहा है, अलग अलग चीज़ों को लेके एक लंबी नलिका के रूप में, मूत्र जनन नलिका के रूप में आगे खुल रहा है, ठीक है, नोट डाउन करो। अब ये यूरेथ्रा वाला पार्ट है बेटा, जो आपका क्या था, अब भी पढ़े आप क्या पढ़े, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ क्या पढ़े, अभी अभी स्खलन वाहिनी पढ़े ना, इजेकुलेटरी डक्ट पढ़े ना, इजेकुलेटरी डक्ट आगे आके खुलेगा, आगे आके इधर आएगा, ये देखो ये एक ऐसा मार्ग बनाएगा, इसको क्या बोलते हैं, मूत्र मार्ग, यूरेथ्रा, ये कौन सा मार्ग है, मूत्र मार्ग है, ठीक है, मूत्र मार्ग बनाएगा इजेकुलेटरी डक्ट आगे जाके। ये मूत्र मार्ग दो चीज़ों का स्त्राव करता है बेटा, एक तो ये यूरिन को अपने अंदर से रिमूव करेगा, दूसरा ये सीमन को अपने अंदर से रिमूव करेगा, किसके केस में, मेल पर्सन के केस में, ठीक है। अब देखो बहुत ध्यान से देखना है, यह नलिकाकार वाहिनी मूत्राशय की ग्रीवा से निकलती है, दिख रहा है आपको, मूत्राशय की ग्रीवा से निकलेगा, मूत्राशय कहाँ पे है बेटा, यूरिनरी, ये देखो दिख रहा है ना यूरेटर आपको, मूत्राशय जो है उसके अंदर से निकल के आ रहा है और ग्रीवा से निकलकर शिश्न तक, सिरे पर मूत्र जनन छिद्र या शिश्न छिद्र, यहाँ पे एक छिद्र होगा, उसी के द्वारा ये बाहर होगा, ठीक है, वहाँ से ये बाहर होगा। अब शिशुनीय जो कुहर होगा, जिसको क्या बोलते हैं, पेनाइल मीटर्स के द्वारा बाहर खुलेगा, पेनाइल मीटर्स के द्वारा बाहर खुलेगा, और बाहर खुलने के बाद मूत्र मार्ग 19 से 20 सेंटीमीटर लंबा होता है। ये मूत्र व शुक्राणुओं हेतु सामान्य पथ होता है, यहीं से मूत्र का भी विसर्जन होगा, बाहर जाएगा, रिमूवल होगा, और जो स्पर्म्स होते हैं वो भी यहीं से बाहर रिमूव किए जाएंगे। अतः यह नर मूत्र जनन तंत्र का भाग होता है। नर मूत्र जनन, नर मूत्र जनन शब्द शब्द को समझो, नर मूत्र जनन मतलब ये एक ऐसा मूत्र मार्ग जो है, ये जो मूत्र मार्ग है, नर मूत्र जनन क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि जो मेल होगा, ठीक है, उसका ये क्या है, यूरिनरी पार्ट भी है, यूरिनरी पार्ट भी है, और उसका ये रिप्रोडक्टिव पार्ट भी है, रिप्रोडक्टिव पार्ट भी है, ठीक है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, मूत्र जनन तंत्र। मेल में ये देखो, मेल मेल जो है उसके अंदर ये यूरिनरी पार्ट भी है, ये पहला नंबर हो गया, और ये दूसरा क्या है, रिप्रोडक्टिव पार्ट भी है, इसलिए इसको मेल का मूत्र जनन तंत्र कहते हैं, क्योंकि
उसका यूरिनरी सिस्टम भी इससे जुड़ा हुआ है और उसका जनन तंत्र, जनन जो तंत्र होता है बेटा, वो भी इससे जुड़ा हुआ है। नोट डाउन करो। अब आपको देखना है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का लाखरी जो पार्ट होता है पेनिस। पेनिस क्या है, मैंने बताया है आपको, ये दोनों जो टेस्टीज होगा उसके बीचों बीच की संरचना है, लंबवत बेलनाकार संरचना है, ठीक है। और ये जो पेनिस है ये इरेक्टाइल ऑर्गन है, ये इरेक्ट होता है, ठीक है। इरेक्ट का मतलब सीधा खड़ा होना, ठीक है। ऐसे नॉर्मल अवस्था में ये नॉर्मल होता है, पर जिस समय एक्साइटेड स्टेज होती है, किस समय, कॉपुलेशन के टाइम पे मेल और फीमेल की, उस समय एज अ इंजेक्शन, एक इंजेक्शन के समान है ना, जैसे मान लो ये इंजेक्शन है, तो बिल्कुल इंजेक्शन के समान एकदम स्ट्रेट सीधा खड़ा होता है। और मेल के फीमेल जो ये मेल का जो जेनाइटल ऑर्गन है, ये फीमेल की जेनाइटेलिया के अंदर प्रवेश करता है और वहाँ पे बिल्कुल इंजेक्शन की तरह वर्क करके अपने अंदर के समस्त जो वीर्य भरा हुआ है, जो सीमन भरा हुआ है, उसको छोड़कर वापस आता है, ठीक है। यह नर जनन मैथुनांग है। मैथुनांग मतलब कॉपुलेशन। जिस समय कॉपुलेशन होगा मेल और फीमेल के बीच, ठीक है, नर और मादा के बीच में जब क्या होगा, मैथुन होगा, मैथुन की क्रिया होगी, जिसे कॉपुलेशन कहते हैं, ठीक है, जिसे कॉपुलेशन कहते हैं। इस कॉपुलेशन के थ्रू ही क्या होता है, जो मेल होगा, ठीक है, ये क्या करेगा, अपने सीमन, ठीक है, या वीर्य, सीमन या वीर्य को मादा की योनि में छोड़ेगा, ठीक है। योनि मतलब वेजाइना में, वेजाइना में छोड़ेगा, ठीक है बेटा, मादा की वेजाइना या योनि में छोड़ेगा। ये उस समय होगा जिस समय कॉपुलेशन की प्रोसेस हो रही है, ठीक है। तो ये कौन सा ऑर्गन है, मैथुनांग है। मैथुन करने में, कॉपुलेशन करने में इसका सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल है। और ये इरेक्टाइल ऑर्गन है, स्ट्रेट खड़ा होकर इंजेक्शन के जैसा परफॉर्मेंस देने वाला ऑर्गन है, ठीक है। दिख रहा है ये, इसको मैं थोड़ा लाइट ग्रीन में ले लेती हूँ बेटा। ये जो स्ट्रक्चर दिख रहा है ना, ये इसके स्किन के ऊपर की जो त्वचा होती है, इसको फॉर स्किन कहते हैं पेनिस के। और ऊपर जो स्त्रावी भाग होता है उसको ग्लैंड पेनिस कहते हैं, ठीक है। और ये खुद पेनिस का भाग है, दिख रहा है ना, बेलनाकार लंबा स्ट्रक्चर है, ठीक है। फटाफट नोट डाउन कर लो बच्चों। आज आपने प्राइमरी जो सेक्स ऑर्गन थे उसके मेन पार्ट्स को पढ़ा है। अभी आपको डक्ट पर जो ग्लैंड्स हैं बेटा, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स के, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के जो ग्लैंड्स हैं वो पढ़ना बाकी है, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी, ओके। तो अभी तक आप जहाँ पे, जहाँ तक भी पढ़े हो बेटा, उसको बहुत अच्छे से पढ़ के रखो, एक एक चीज़ देखो। एक बार वीडियो देखने से समझ में नहीं आता, दो बार देखो, दो बार देखने से समझ नहीं आता, 100 बार देखो, पर चीज़ों को सीखो और समझो, और समझ के उसको अपने ब्रेन में सेव करते जाओ, ओके।